हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोअर लिम्ब एनाटॉमी के अंदर फ्रंट ऑफ द थाई वाले चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फीमोरल ट्रायंगल को जो है वो कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं फीमोरल शीथ एंड फीमोरल केनाल को। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फीमोरल शीथ। वैसे तो फीमोरल शीथ जो है वो डिसेक्शन के दरमियान इतनी क्रिस्टल क्लियर तो नहीं दिखती है, बट आप समझ सकते हो कि व्हाट इज़ फीमोरल शीथ। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एब्डोमिन जो है वहाँ से कुछ डीप फेशिया जो है वो यहाँ पे डाउनवर्ड एक्सटेंशन होते हैं और अपर 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ फीमोरल वेसल्स को जो है वो कवर करने का काम करते हैं। इसी जो स्ट्रक्चर जो है ये फीमोरल शीथ का, उसका अगर हम एक ब्रॉड बड़ा सा डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा, जिसके अंदर उसकी लेटरल अगर हम बॉर्डर की बात करें तो एकदम ही वर्टिकल है, और उसका मीडियली अगर हम बात करें तो वो ऑब्लिक है, डाउनवर्ड है, और फिर जो है यहाँ पे लेटरल से वो मीटिंग होती है। और उसकी अगर हम बात करें मेनली दो वॉल्स है, यहाँ पे आ जाएगी एंटीरियर वॉल और पीछे की साइड जो है वो पोस्टीरियर वॉल। सो एंटीरियर वॉल जो है वो कैसे फॉर्मेशन होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। सो एब्डोमेन के अंदर एक फेशिया होता है जिसका नाम है फेशिया ट्रांसवर्सालिस। यही जो फेशिया ट्रांसवर्सालिस है वो इंग्वाइनल लिगामेंट जो है उसके नीचे जो है वो एक्सटेंड होता है ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस, एंड वो एंटीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल रिंग जो है वो बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे फेशिया ट्रांसवर्सालिस जो एब्डोमेन का है वो इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे डिसेंड होता है और यहाँ पे जो फीमोरल वेसल्स जो है उसको कवर करता है, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड क्या होता है, तो पोस्टीरियर साइड एक मसल का फेशिया है। कौन सा मसल, जिसका नाम है इलियाकस मसल, जो कि यहाँ पे है। और यही जो इलियाकस मसल जो है, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली इलियोसोवास दोनों कंबाइन ही होते हैं, और उसका जो फेशिया जो है वो इस फेशिया जो है इस फीमोरल वेसल्स जो है उसके पोस्टीरियर साइड है, और फीमोरल शीथ का जो मेन बनाता है पोस्टीरियर साइड। सो इस तरीके से यहाँ पे जो फीमोरल शीथ जो है उसमें एंटीरियर साइड फेशिया ट्रांसवर्सालिस और पोस्टीरियर साइड फेशिया इलियाका, ओके फाइन। और लेटरल और मीडियल तो जो है वो मैंने बता ही दिया है कि लेटरल वॉल जो है वो बेसिकली एकदम वर्टिकल है, और जो मीडियल वॉल जो है वो बेसिकली ऑब्लिक है, डाउनवर्ड है। वैसे टोटल वॉल की अगर हम बात करें तो टोटल 4 हो गई। अब इस जो फीमोरल केनाल जो है उसको सेप्टास होते हैं बीच में। ये सेप्टास जो है इस फीमोरल शीथ जो है उसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। सबसे मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट जो है, जो कि सबसे छोटा कंपार्टमेंट है, विड्थ 1.5, लेंथ 1.5, यही तो है जिसको हम बोलते हैं फीमोरल केनाल। सो मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द फीमोरल शीथ इज नॉन एज द फीमोरल केनाल। यही 1.5 सेंटीमीटर की जो है फीमोरल केनाल। उसके बाद जो उसका इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है जिसके अंदर मेन स्ट्रक्चर जो है वो है फीमोरल वेन, और उसका जो मोस्ट लेटरल कंपार्टमेंट है जिसमें दो स्ट्रक्चर मेनली याद रखने हैं, एक है हमारी फीमोरल आर्टरी और दूसरी जो है दैट इज़ द फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फीमोरल नर्व। काफ़ी बार एमसीक्यू में पूछा गया है फीमोरल नर्व इज़ द पार्ट ऑफ द फीमोरल शीथ, आंसर इज नो। फीमोरल ब्रांच है उसकी जेनाइटो फीमोरल की, फीमोरल नर्व यहाँ पे लेटरल कंपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं है। सो इस तरीके से 3 कंपार्टमेंट है। अगर लेटरल टू मीडियल जाए तो लेटरली जो है वो फीमोरल आर्टरी, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट के अंदर फीमोरल वेन, एंड मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट जो है जो कि बेसिकली फीमोरल केनाल है, और वहाँ पे मेन कंटेंट होता है डीप इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। सो इस तरीके से फीमोरल शीथ जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उसकी वॉल एंड कंपार्टमेंट्स और उस कंपार्टमेंट्स के कंटेंट याद रखने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फीमोरल केनाल की, सो व्हाट इज़ द फीमोरल केनाल, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये जो फीमोरल शीथ जो है उसमें जो 3 सेप्टास जो डिवाइड करते हैं उसमें जो मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द फीमोरल शीथ इज नॉन एज द फीमोरल केनाल, और ये जो फीमोरल केनाल है उसका
लेंथ और विड्थ भी मैंने आपको बता दिया 1.5 सेंटीमीटर। अब फीमोरल कैनाल के अंदर जो मेन चीज़ याद रखनी है वो है फीमोरल रिंग, और इसको मैं सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको जो है रिंग तो जो है वो अच्छे से दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो फीमोरल शीथ होगी उसमें इंटरमीडिएट में फीमोरल वेन है, यहाँ पे लेटरल में फीमोरल आर्टरी है, और यहाँ पे मोस्ट मीडियली जो फीमोरल कैनाल है उसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको बोलते हैं फीमोरल रिंग। सो यहाँ पे जो है फीमोरल रिंग है, जहाँ से ही तो मेन फीमोरल हर्निया जो है वो होता है। अब इस फीमोरल रिंग जो है उसकी मेन बाउंड्री एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसकी बाउंड्री में क्या क्या ले सकते हैं, चार चीज़ें आएगी, एक आ जाएगा एंटीरियर, एक आ जाएगा पोस्टीरियर, एक यहाँ पे मीडियली और एक आ जाएगा लेटरली। सो अब उसका डिस्कशन जो है अगर हम डिटेल में करें तो यहाँ पे एंटीरियर साइड क्या आएगा, इंग्वाइनल लिगामेंट। सो यहाँ पे जो फीमोरल रिंग है उसका एंटीरियर साइड इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है भाई। और उसका पोस्टीरियर साइड कौन सा मसल है, तो ये रहा हमारा पोस्टीरियर मसल जिसका नाम है पेक्टिनियस। सो पेक्टिनियस जो है वो आ जाएगा पोस्टीरियरली, और मीडियली क्या आएगा, सो मीडियली अच्छे से याद रखने के लिए ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है यहीं पे रिफ्लेक्ट होता है और बनता है लैक्यूनर लिगामेंट, और लैक्यूनर लिगामेंट आ जाएगा उसका मीडियली, और लेटरली क्या आएगा, लेटरली सेप्टा सेपरेटिंग फ्रॉम टू द फीमोरल वेन। सो इस तरीके से फीमोरल रिंग जो है उसकी बाउंड्री में एंटीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली वहाँ पे पेक्टिनियस, लैक्यूनर लिगामेंट मीडियली, एंड लेटरली फीमोरल वेन सेप्टा सेपरेटिंग। तो इस तरीके से बाउंड्री जो है वो फीमोरल रिंग की जो है वो आपको इजीली याद हो जाएगी। सो याद हो गया, इंग्वाइनल लिगामेंट एंटीरियरली, पोस्टीरियरली पेक्टिनियस, मीडियली लैक्यूनर, एंड लेटरली सेप्टम सेपरेटिंग फ्रॉम टू द फीमोरल वेन। अब ये जो फीमोरल रिंग है वैसे तो सब कुछ क्या ऐसे ही पास हो जाएगा, नहीं, ये जो फीमोरल रिंग है वो नॉर्मली क्लोज होती है। किसकी मदद से ये क्लोज होती है यहाँ पे, तो सिंपल है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो ये फीमोरल रिंग को बंद रखती है। तो इसको क्या नाम बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू यहाँ पे फीमोरल रिंग को बंद करती है उसको बोलते हैं फीमोरल सेप्टम। सो फीमोरल सेप्टम जो है, व्हाट इज़ फीमोरल सेप्टम, सो इट इज़ द क्लोजिंग द फीमोरल रिंग। सो व्हाट इज़ फीमोरल रिंग, इट इज़ द मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द फीमोरल कैनाल। व्हाट इज़ फीमोरल कैनाल, इट इज़ द मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द फीमोरल शीथ। तो इस तरीके से जो फीमोरल शीथ जो है उसका मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट जो फीमोरल कैनाल, उसके ऊपर फीमोरल रिंग और उसको बंद करने वाला फीमोरल शीथ, और यही जो फीमोरल शीथ है उसके अंदर स्लाइट डिप्रेशन होता है एक खट्टा जैसा, तो उसको बोल देंगे हम फीमोरल फोसा। तो फीमोरल रिंग को बंद करने वाला फीमोरल सेप्टम और उसमें स्लाइट बीच में डिप्रेशन, और जिसको ही हम बोल देंगे फीमोरल फोसा। बहुत सारा फीमोरल है ना, फीमोरल शीथ, फीमोरल केनाल, रिंग, सेप्टम एंड फोसा। तो इतना याद रखने से जो है वो आप आसानी से जो है वो शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, और जो फीमोरल कैनाल जो है उसके कंटेंट के अंदर जो लिम्फ नोड्स है जिसको हम बोलते हैं रोजन मुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है वो कौन से मेजर एरियाज़ को ड्रेन करता है, तो मेल के अंदर जो है वहाँ पर ग्लांस पेनिस जो है वहाँ से मेनली लिम्फ आता है, और जो फीमेल है उनके अंदर क्लाइटोरिस वाला जो पार्ट है वहाँ से जो है मेन लिम्फ जो है यहाँ पे ड्रेन होने के लिए आता है। सो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फीमोरल हर्निया के बारे में। सो ये फीमोरल शीथ कैनाल रिंग के कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। आप दोबारा भी इसको वीडियो को देख सकते हैं, और जल्द ही दूसरे वीडियो के साथ हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।